हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। जैसा कि पता है कि कल टेस्ट हुआ था चैप्टर टेस्ट नंबर 9 का, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। काफ़ी अच्छा टेस्ट पेपर था, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। तो आज इसका हम लोग वीडियो सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम विद टू क्रोमेटिड सीन इन विच फेज ऑफ माइटोसिस। अब दो क्रोमेटिड किसमें होती है? इधर देखें, ये है क्रोमोसोम विद टू क्रोमेटिड। तो अब दो क्रोमेटिड वाली फेज कहाँ देखने को मिलती है? तो देखिए, प्रोफेज में तो देखने को मिलती है, मेटाफेज में दिखती है, लेकिन एनाफेज में होता क्या है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। इस नाते आंसर होगा क्या, प्रोफेज एंड मेटाफेज। लिखा है डायड ऑफ सेल। डायड कब बनती है? तो देखो जरा, ये है पर्टिकुलर सेल जिसका डिवीजन होगा, तो ये दो सेल बनेंगी, ये डायड हो गया। फिर दोनों सेल डिवाइड होंगी, ये दोनों सेल भी डिवाइड होंगी, ये टेट्राइड हो गया। ये हुआ है मियोसिस फर्स्ट और ये हुआ है मियोसिस सेकेंड। तो कब बनती है? तो कहोगे मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पर बनती है। तो आंसर मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड के कंप्लीशन से हमको क्या मिलेगा? तो फर्स्ट जब कंप्लीट होता है, तो देखो जरा, ये 2n की सेल होती है। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो दोनों n की मिलती हैं, और जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है तो भी n का मिलती हैं। तो फर्स्ट के कंप्लीट होने पर भी हेप्लॉयड और सेकेंड के कंप्लीट होने पर भी हेप्लॉयड। इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा, हेप्लॉयड एंड हेप्लॉयड सेल। फिर क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? पेयरिंग ऑफ, वो भी किसके बारे में, मियोसिस के बारे में। होमोलागस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, 4 हेप्लॉयड सेल बनती है, एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, लेकिन 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है, 1 साइकिल होती है। तो आंसर हो जाएगा क्या, फोर्थ। विच वन प्रोड्यूस 4 हेप्लॉयड सेल? 4 हेप्लॉयड सेल कब बनेंगे? तो देखिए क्या लिखा है, कंप्लीशन ऑफ टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 भी अगर कंप्लीट हो जाए तो 2 ही हेप्लॉयड सेल मिलेगी, तो गलत। कंप्लीशन ऑफ टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 के बाद कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, लेकिन अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 के बाद हमको 2 हेप्लॉयड सेल मिलेंगी, इसका मतलब आंसर ही होगा कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस 2। लिखा है मोर कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सबसे कॉम्प्लेक्स फेज कौन सी होती है? प्रोफेज 1 होती है। करैक्टर को कंसिडर करो, तो इसमें लिखा है बाईवैलेंट क्रोमोसोम एलाइन हो इक्वेटर पर, और माइक्रोटिप अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम। ये किसके बारे में सही है? तो बताओ किसके बारे में सही है, बाईवैलेंट है, होमोलागस क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये मेटाफेज 1 है। तो मेटाफेज 1 कहाँ दिया है, मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1 फर्स्ट आंसर है। नंबर ऑफ मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन ऑफ कोकोनट एंडोस्पर्म। कोकोनट के एंडोस्पर्म का मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन कैसे बन जाती है? तो आपको पता है कि माइटोसिस के बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, तो फिर मल्टी न्यूक्लेटेड नहीं होता है, और अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो मल्टी न्यूक्लेटेड हो जाएगा। तो क्या कहोगे, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस इन माइटोसिस। विच वन करेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के टर्मिनेशन और माइटोसिस के बीच में क्या है? तो देखो जरा, ये मान लेते हैं सेल साइकिल है, ये मान लेते हैं एम है, ये मान लेते हैं एस है, ये G1 है और ये G2 है। तो देखो, कह रहा है बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ डीएनए, तो टर्मिनेशन ऑफ डीएनए तो यहाँ होगा और इनिशिएशन ये एम होगा। तो टर्मिनेशन ऑफ डीएनए और माइटोसिस के बीच में कौन होगा, G2 होगा। तो आंसर क्या मिलेगा, G2 फेज। अगर क्वेश्चन पूछता कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए और माइटोसिस के बीच कौन है, तो आंसर क्या होता, G1। तो इनिशिएशन ऑफ डीएनए और माइटोसिस के बीच, तो आंसर G1, और टर्मिनेशन ऑफ डीएनए और माइटोसिस के बीच, तो आंसर G2।
हार्ट सेल किस फेज में रहती हैं, चूंकि हार्ट सेल डिवाइड नहीं करती हैं तो किस फेज में रहती हैं, जी नॉट फेज में रहती हैं। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट जी टू फेज ऑफ इंटरफेज, जी टू के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट क्या नहीं है, मेटाबोलिकली एक्टिव होता है तो सही है, सेल कंटिन्यू ग्रो करती है सही है, डज नॉट रिप्लिकेट डीएनए सही है, ये फर्स्ट फेज नहीं है, ये लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज है, इसका मतलब यही आंसर सही है। कंसिडर द स्टेटमेंट टू फाइंड इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट देखना है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जब सेल ग्रोथ की बात करेंगे तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बात सही है, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, ये भी सही है, इवेंट ऑफ सेल साइकिल अंडर जेनेटिक कंट्रोल सही है, ह्यूमन सेल कल्चर डिवाइड वन से 24 आवर होना चाहिए, यहाँ 24 मिनट लिखा है, इसका मतलब यही गलत है। ओनियन रूट टिप है 32 क्रोमोसोम इन ईच सेल, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी सेल एट कब, जीवन पर पूछा है, आफ्टर एस पूछा है और आफ्टर एम, तो देखो क्या होता है, पहले होता है जीवन, फिर होता है एस, फिर होता है जी टू और उसके बाद होता है एम। जीवन में होते हैं क्रोमोसोम संख्या 2n, एस में भी होता है 2n, जी टू में भी होता है 2n और इसमें भी होता है 2n, तो क्रोमोसोम नंबर तो कभी चेंज होते ही नहीं, जितने होंगे उतने ही रहेंगे, इसका मतलब 32 32 32 रहेंगे, क्योंकि ओनियन रूट टिप है, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया हुआ है। स्टेजेज इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज वन, तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, तो लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डायकाइनेसिस पहला ही सही है। स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, कह रहा उसके बारे में क्या ट्रू नहीं है, तो ये शॉर्ट लिव्ड होती है सही है, इस दौरान नो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये भी सही है, इसके पीछे पीछे प्रोफेज सेकेंड आता है ये भी सही है, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये गलत है, इसका मतलब यही आंसर सही है। एक सेल में कितने पीकोग्राम डीएनए है, 10 पीकोग्राम, कह रहा है कि ऐसे केस में जी टू फेज के अंत में कितने पीकोग्राम डीएनए होगा, देखो बड़ा आसानी से निकल आएगा, ये जीवन है उसके बाद एस है फिर जी टू है फिर एम है, देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है कि किसी एक सेल में 10 पीकोग्राम है तो जी टू फेज के अंत में कितना होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे, जीवन में होता है 2c, एस में हो जाता है 4c, जी टू में हो जाता है 4c और एम के बाद जो डाटर सेल बनेंगी उसमें हो जाएगा सी, तो डाटर सेल में कितना दिया है 10 पीकोग्राम, जब डाटर सेल में 10 पीकोग्राम दिया है तो जी टू फेज या जी टू फेज के अंत में कितना होगा, तो देखो सी से कितने गुना है 4 टाइम है, तो 10 का 4 टाइम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 पीकोग्राम, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये जी टू है, जी टू फेज में सेल है, जब पहली मियोसिस होगी 2 सेल बनेंगी, यहाँ होगा 4c, यहाँ होगा 2c, फिर और मियोसिस होगी 2 सेल बनेंगी, यहाँ सी यहाँ सी, सी कितना दिया है 10 दिया है, तो 4c कितना होगा, तो 4c कितना होगा 40 होगा, तो आंसर 40 होगा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एसर्शन रीजन दिया हुआ है, एसर्शन क्या है, एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सही है, और रीजन दिया है क्योंकि पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का, इसका मतलब रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, और एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर 1 होगा। 18, व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट इन सेल एट जी1, जी1 पर कितना होगा, एस आफ्टर एस कितना होगा, जी2 पर कितना होगा और एम के बाद कितना होगा, अगर क्या है सी है, किस में पूछ रहा है, अगर ये माइटोसिस में है तो देखते हैं क्या है, इधर देख लीजिए, जी1 एस जी2 एम और एम के बाद फिर जी1 आएगा, तो देखो जी1 में कितना होता है 2c, एस में 4c, जी2 में 4c, एम के दौरान 4c होता है, लेकिन जैसे 4c कंप्लीट होगा डाटर सेल बनेगी और वो किस में चली जाएगी 2c में। अब देख लेते हैं
किसका किसका पूछा है? G1 2C, आफ्टर S 4C, G2 के दौरान भी 4C, और M के बाद कितना? 2C। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? G1 2C, फिर 4C, फिर 4C, यही हो जाएगा। विच स्टेज ऑफ मियोसिस में परसिस्ट फॉर मंथ टू ईयर, महीनों से लेकर के सालों तक कौन सी स्टेज बनी रहती है? तो पहले से ही पता है, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, तो प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस होगा। विच इज इनकरेक्ट अबाउट पैकेटीन? फोर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपियर एट टेट्राड, सही है। कैरेक्टराइज बाई अपियरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, सही है। ड्यूरिंग विच क्रॉसिंग ओवर होती है, किसके बीच? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलागस, सही है। स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, गलत। साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो जाइगोटीन में होता है, इसका मतलब ये गलत है। हाउ मेनी काइनेटोकोर प्रेजेंट इन सेल एट एनाफेज वन? एनाफेज वन, तो देखिए क्रोमोसोम नंबर तो चेंज होते नहीं हैं, तो क्रोमोसोम नंबर अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो किसी एक क्रोमोसोम में, किसी एक क्रोमोसोम में हमको दो काइनेटोकोर मिलेंगे। जब दो काइनेटोकोर मिलेंगे तो आठ क्रोमोसोम में कितने हो जाएंगे? 16 काइनेटोकोर हो जाएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है? सेल ग्रोथ। लास्ट स्टेज कौन सी है? सेल डिवीजन। फोर्थ आंसर होगा। कंटिन्यूअस ग्रोथ इन प्लांट इज ड्यू टू, प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ क्यों होती है? तो पहले से पता है, माइटोसिस होती है। किसमें? एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम में। दो स्टेटमेंट है, एसर्शन रीजन एट द एंड ऑफ प्रोफेज क्रोमोसोम आर सीन, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस करके क्रोमोसोम बना लेता है। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, और कर रहा है तो आंसर वन होगा। 25, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज, ये तो गलत ही है, क्रोमोसोम नंबर डबल होते ही नहीं है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, ये सही है। एसर्शन गलत है, रीजन सही है। एसर्शन आज आर करेक्ट बट रीजन आर करेक्ट, फोर्थ आंसर सही होगा। सिस्टर क्रोमेटिड मूव कर गई है टुवर्ड अपोजिट पोल, इसका मतलब ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड तो एनाफेज सेकंड में मूव करती हैं, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में तो होमोलागस क्रोमोसोम मूव करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? एनाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड। स्टेटमेंट कह रहा इनकरेक्ट फाइंड करो, सॉरी करेक्ट फाइंड करो, तो करेक्ट फाइंड कर लेते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन अकर बिफोर सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के पहले नहीं होता है, आफ्टर होता है। ग्रोथ ऑफ सेल अकर बिफोर डीएनए रिप्लिकेशन, सेल की ग्रोथ होती है बिफोर, आफ्टर भी तो होती है। इधर देख लीजिए, अगर हम सेल साइकिल बना लें, ये है G1, ये है G2, ये है M, ये है S, जरा देखिएगा। अगर आप क्वेश्चन कहोगे ग्रोथ डीएनए रिप्लिकेशन के पहले होती है, तो ग्रोथ तो बाद में भी होती है। डीएनए रिप्लिकेशन ग्रोथ के पहले होता है तो इसके बाद भी होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। डिवीजन ऑफ सेल अकर आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, ये सही हो सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होगा, डिवीजन ऑफ सेल अकर बिफोर डीएनए, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन के पहले डिवीजन नहीं हो सकता है, तो ये तीन हो गए गलत, इसका मतलब थर्ड आंसर सही है। सेल इन द स्टेज रिमेन मेटाबोलिकली एक्टिव, मेटाबोलिकली एक्टिव होती लेकिन डिवाइड नहीं करती, इसका मतलब किस फेज में हो? G0, एसर्शन रीजन। सेल डिवाइड करती है टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, क्यों? क्योंकि जब सेल की ग्रोथ होती है तो डिस्टर्ब हो जाता है क्या? रेशियो। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर सही है। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बना है लेकिन अभी डिस्टिंक्ट नहीं है,
डीएनए मॉलिक्यूल बना है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, कौन सी फेज होगी? तो डीएनए बनता कब है? एस में, और उसके बाद किस में जाता है? जी टू में। इन दोनों फेज में अभी डिस्टिंक्ट नहीं, चूंकि एम फेज में जाएगा तो फिर कंडेंसेशन होने लगेगा और वो क्रोमोसोम बनने लगेगा। कंप्लीशन ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का कंप्लीशन कहाँ होता है? आंसर देंगे क्या? मेटाफेज में। सेंट्रोमियर स्प्लिट किस में होता है? तो सेंट्रोमियर स्प्लिट तो एनाफेज की खास बात है, एनाफेज ऑफ माइटोसिस। करा इंटरवल बिटवीन, अब देखो इनिशिएशन पूछा है, इधर देखिए सेल साइकिल, ये G1, ये G2, ये M, ये S। अगर क्वेश्चन पूछेगा डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन और एम फेज के बीच में, तो फिर जीवन बताएगा, तो इनिशिएशन से पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? जीवन। और अगर कंप्लीशन से या टर्मिनेशन से पूछा होता तो G2 हो जाता। तो इनिशिएशन तो आंसर कौन से दे दोगे? जीवन फेज। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट वेल इजिलेबल एसर्शन, असर देखो एसर्शन दिया है इंटरफेज में मोर देन 95% टाइम खर्चा होता, सही है, क्योंकि इंटरफेज क्या है? ये प्रिपरेटरी फेज है, समय लगता है, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, मतलब हो जाएगा थर्ड सेकेंड आंसर। फेज ऑफ सेल साइकिल, फेज ऑफ सेल साइकिल अकर जस्ट बिफोर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के ठीक पहले क्या होता है? तो कैरियोकाइनेसिस के ठीक पहले क्या होती है? एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैमीट फाइनली डिसाइड, तो फाइनली डिसाइड तो तब होगा जब फाइनल डिवीजन होगा, और फाइनल डिवीजन कब मिलेगा? एनाफेज सेकेंड के बाद मिलेगा, तो आंसर क्या देंगे? एनाफेज सेकेंड। विच इज इनकरेक्ट अबाउट मियोसिस सेकेंड, क्या? इट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉयड सेल, सही है, इट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, सही है, कंप्लीट विदाउट रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल, इसमें जेनेटिक मटीरियल नहीं होता है, इट इज कंप्लीट आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन, नहीं डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता है तब भी ये हो जाता है, चूंकि इंटरकाइनेसिस में डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता है, ये गलत है। एस फेज ऑफ साइकिल, सेल साइकिल के एस फेज के बारे में, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर में चेंज आएगा ही नहीं, गलत, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज फिर गलत, अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस नहीं, डबल होता है, ये डबल, फोर्थ आंसर सही है। स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन को इंटरकाइनेसिस कहते हैं और ये शॉर्ट लिव्ड होती, सही है, लेकिन इस दौरान रिप्लिकेशन नहीं होता, गलत, तो पहला सही है दूसरा गलत है, ए ट्रू बी फॉल्स, विच इज नॉट इनकरेक्ट, देखिए नॉट इनकरेक्ट का मतलब होता है करेक्ट, क्या देखें? इट इज फेज जस्ट आफ्टर एम फेज, गलत, आफ्टर एम फेज तो जीवन होता है, सेल मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं, एक्टिव होता है, फेज जस्ट बिफोर एम फेज, जस्ट बिफोर नहीं, जस्ट बिफोर जी टू होती है, साइटो ये सही है, साइटोप्लाज्म में ग्रोथ सभी फेज में होती है, मैचिंग कर लेते हैं। जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सही है, पैकिटीन डिजोल्यूशन ऑफ साइनोटिनिपल कॉम्प्लेक्स, ये गलत है, डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम अपीयर एट टेट्राड, ये भी गलत है, डायकाइनेसिस टर्मिनेशन, ये सही है, ए और डी सही है, ए और डी। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटीरियल स्टार्ट एंड एंड, कंडेंसेशन शुरू कब होगा और समाप्त कब होगा? तो शुरू कब होता है? तो शुरू होता है प्रोफेज में और समाप्त होता है मेटाफेज में, पहला ही आंसर सही है। विच इज नॉट करेक्टर नहीं है किसका? मियोसिस का। तो देखो दो स्टेज ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, पहला मियोसिस फर्स्ट, सेकेंड मियोसिस सेकेंड, सही है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर सही है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज सेकेंड सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, कुछ गड़बड़ है, सिस्टर नहीं नॉन सिस्टर क्रोमेट, रुक जाओ बेटा, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर सही है,
सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज सेकेंड, सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर टुवर्ड एंड ऑफ प्रोफेज, कुछ गड़बड़ी है, देखते हैं फिर से। टू स्टेज ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, फर्स्ट बिफोर मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड बिफोर, यही गलत है। डीएनए रिप्लिकेशन दो बार नहीं होता है। जीवन के बारे में, सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, गलत है। डीएनए इन द सेल डज नॉट रिप्लिकेट, सही है। इट इज नॉट ए फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोटूबुल, सिंथेसिस तो होती है, गलत है। सेल स्टॉप ग्रोइंग, ये भी गलत है। इसका मतलब सेकंड आंसर सही है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग एनाफेज वन, एनाफेज वन के दौरान सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड देयर सेंट्रोमियर, रीजन है क्योंकि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। इंसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, आंसर सेकंड हो जाएगा। 46, रॉन्गली मैच पेयर, कौन गलत है देखें। जाइगोटीन साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सही है, पैकेटीन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल सही है, डिप्लोटीन की आज मेटा फॉर्मेशन सही है, ये गलत है, फोर्थ गलत है। सेल इन द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड ब्लड सेल कॉन्स्टेंटली रिप्लेस, स्टेटमेंट सही है। माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्लांट ग्रोथ होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों सही हैं तो बोथ आर ट्रू, सेकेंड आंसर। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन में कौन नहीं होता है। तो देखो, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइटोटोकोर सही है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल सही है, पेयरिंग ये नहीं है, पेयरिंग ऑफ होमोलागस नहीं होता है क्योंकि ये मियोसिस की पहचान है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसर्शन रीजन देखो भाई। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस अकर आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस बात होती है तो सही है। कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म तो गलत है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, सेकंड आंसर। क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंजल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिल कंडेंसेशन सही है, और सेंट्रोसोम बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ सेल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। मैच कर लेते हैं। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, इसका मतलब होता है शिफ्टिंग, थर्ड होगा, ए का थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ। और साइनेप्सिस पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, बी का वन, और कियाज्मेटा सी का सेकंड, ए फोर बी वन सी सेकेंड, फर्स्ट आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग इवेंट, माइटोसिस में पूछा है तो जब माइटोसिस में पूछा है तो जिसमें जिसमें क्रॉसिंग ओवर लिखा वो गलत, जैसे इसमें देखो क्रॉसिंग ओवर लिखा, ये आंसर गलत हो जाएगा, और इसमें क्रॉसिंग ओवर लिखा ये भी आंसर गलत हो जाएगा, तो बचा कौन सा, एक ये आंसर बचा, एक ये आंसर बचा, अब बताओ कौन सा होगा। इसमें सब कुछ लिखा है, पहले कंडेंसेशन होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली होगी, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर मेटाफेज पर होगा, फिर सेंट्रोमियर डिवीजन एनाफेज में होगा, और सेग्रीगेशन हो जाएगा, फिर टीलोफेज, तो फोर्थ आंसर सबसे बेस्ट है। मियोसिस में क्या होता है, तो मियोसिस में होता क्या है, दो न्यूक्लियर डिवीजन और दो क्रोमोसोम डिवीजन, बस डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है। मैच द फॉलोइंग, मैच कर लेते हैं। जाइगोटीन को साइनेप्सिस से, ए को फोर, पैकेटीन को क्रॉसिंग ओवर, बी को थर्ड, ए को फोर बी को थर्ड, ए फोर बी थर्ड, इसी में दिया है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एपियर, एपियर कब होंगे,
और डिस एपियर कब होंगे, दोनों साथ में पूछ लिया है, तो एपियर कब होंगे जाइगोटीन और डिस एपियर होंगे कब डिप्लोटीन में, पहला सही है। मैच पेयर देखो, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर गलत, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म गलत, जीवन फेज में डीएनए सिंथेसिस गलत, तो यही बचा फोर्थ। स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम, ये अच्छा सवाल है, देखो कैसे, इधर देख लीजिए, अटैच टू क्रोमोसोम इन सच ए वे दैट स्पिंडल फाइबर ऑफ डिफरेंट पोल अटैच टू सेम क्रोमोसोम, इधर देखिए ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम है और ये सेंट्रोमियर है और ये पोल का एस्टर है, ये पोल पर एस्टर है, तो देखिए एक ही क्रोमोसोम से अटैच है, एक ही क्रोमोसोम से दोनों अटैच हैं, तो या तो ये घटना माइटोसिस में होती है या फिर मियोसिस सेकेंड में होती है, तो किसमें दिया है, मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस और मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लेते हैं, स्पिंडल फाइबर कुछ इस प्रकार से अटैच हो कि सेम ही क्रोमोसोम से दोनों पोल से हो, तो इस पोल से सेम क्रोमोसोम तभी अटैच होता है जब या तो माइटोसिस होता है या फिर मियोसिस का सेकेंड होता है। ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव गलत, ये एक्टिव होता है। सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल नहीं एनिमल सेल, ये भी गलत है, तो जब दोनों गलत हैं तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। एस फेज आरएनए रिप्लिकेशन नहीं डीएनए, जाइगोट अनपेयरिंग नहीं पेयरिंग, डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर नहीं होती गलत, पैकेटीन में मियोसिस ओनली इन है डिप्लॉयड सेल, ये सही है, तो ए बी सी गलत है, ए बी सी गलत है, मतलब फोर्थ सही है। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, मियोसिस के बारे में क्या सही है, डीएनए रिप्लिकेशन अकर आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, नहीं बिफोर होना चाहिए, ये गलत है, डीएनए रिप्लिकेशन अकर बिफोर मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड से पहले इंटरकाइनेसिस होता है उसमें डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता है, ये भी गलत, डीएनए रिप्लिकेशन अकर आफ्टर मियोसिस सेकेंड, आफ्टर के बाद को मतलब ही नहीं बचा, मियोसिस सेकेंड करने के बाद काहे करोगे, तो ये भी गलत, डीएनए रिप्लिकेशन अकर बिफोर मियोसिस फर्स्ट, ये सही है, बिफोर फर्स्ट का, बिफोर मियोसिस फर्स्ट का मतलब है कि इंटरफेज में, इंटरफेज के एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाएगा। प्रोफेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस का जो प्रोफेज है वो डिफर होता है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस के प्रोफेज में अंतर पूछा है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ये तो दोनों में होता है। सेंट्रोसोम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये तो दोनों में होता है। स्पिंडल अपरेटस फॉर्मेशन, दोनों में होता है, बस ये नहीं होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम मियोसिस में होगा और माइटोसिस में नहीं होगा, इसका मतलब यही आंसर सही है। होमोलॉगस क्रोमोसोम टेंड, पहली बार अलग होने का प्रयास कब करते हैं, तो पहली बार अलग होने का प्रयास तब करते हैं जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व होता है, और ये किसमें होता है, ये डिप्लोटीन में होता है, तो डिप्लोटीन किसमें मिलेगा, मियोसिस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, तो देखिए वास्तव में डिसअपीयर तो होता है प्रोफेज में, और कोई आंसर दिया नहीं है प्रोफेज, इसमें लिखा है आफ्टर, इसमें लिखा है बिफोर, तो दोनों हो गए गलत। अब दो ऑप्शन बचे हैं, प्रोफेज होता कब है, तो कहोगे मेटाफेज के पहले, कोई ऑप्शन नहीं है, कब होता है, एनाफेज के पहले, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, टीलोफेज के पहले एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिर हम इसके आंसर साथ जा सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, माइटोसिस के बारे में सही देखना है। क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन एनाफेज, एनाफेज में सेंटर में नहीं रहते हैं, चल जाते हैं, गलत। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पोल इन टीलोफेज, स्टार्ट होते हैं एनाफेज में, गलत। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिल विजिबल एट एंड ऑफ प्रोफेज, ये भी गलत, तो तीन तो गलत मिल गए, फिर इसका मतलब यही सही है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी अगर स्टडी करना है तो किस में जाओ, मेटाफेज में।
बिफोर प्रोफेज, बिफोर टीलोफेज, आफ्टर एनाफेज, बिफोर एनाफेज, बिफोर टीलोफेज मतलब मेटाफेज में होगा। रुकिए बेटा, नहीं नहीं बिफोर टीलोफेज से बढ़िया अच्छा आंसर दिया हुआ है। देखिए प्रोफेज से पहले कर सकते हैं और एनाफेज की बात करने का कोई मतलब नहीं बचा। अब बचा है एनाफेज के पहले और टीलोफेज, तो एनाफेज के पहले मेटाफेज मिलेगा ना, इसमें होगा, फोर्थ आंसर होगा। स्टेटमेंट रिलेटेड टू मियोसिस आर गिवेन बिलो। मियोसिस इन्वॉल्व दो सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ये तो स्टेटमेंट सही है। मियोसिस इन्वॉल्व ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए, ये भी सही है। मियोसिस इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम रिप्लिकेटेड, ये भी सही है। मियोसिस नॉट इन्वॉल्व, नॉट गलत है, ये गलत मिल गया। मियोसिस इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेशन बिटवीन सिस्टर, नहीं नॉन सिस्टर, ए बी सी सही है। ए बी सी मतलब सेकेंड सही है। मैच कर लेते हैं। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक, ये प्रोफेज की पहचान है। ए का सेकंड, ए का सेकंड एक ही में दिया है। इंटरफेज न्यूक्लियर एनवलप इनक्लोज ईच हैप्लॉइड सेल ऑफ क्रोमोसोम, देख लेते हैं। प्रोफेज वन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, सही तो है, प्रोफेज वन में ही होता है। मेटाफेज में पेयरिंग ऑफ मैटरनल, मेटाफेज वन में पेयरिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। एनाफेज वन नॉन होमोलागस क्रोमोसोम सेपरेट इज करेक्टली मैच्ड। इंटरफेज न्यूक्लियर एनवलप इनक्लोज ईच हैप्लॉइड सेल, सेकंड ही बेहतर आंसर है। एनाफेज वन नॉन होमोलागस क्रोमोसोम सेपरेट, ये तो होमोलागस क्रोमोसोम होना चाहिए, सेकंड आंसर बेहतर है। 69 एनाफेज वन डिफर फ्रॉम एनाफेज सेकेंड, एनाफेज वन अलग है, एनाफेज वन अलग है किससे, एनाफेज सेकेंड से। कैसे, देखो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड का सेपरेशन एनाफेज वन में होता है, एनाफेज टू में नहीं होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज वन में होता है, नहीं नहीं होता, गलत। फिर से पढ़ते हैं, एनाफेज वन डिफर फ्रॉम एनाफेज सेकेंड बाई हैविंग सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। बेटा सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड तो इसकी पहचान है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर तो इसकी पहचान है, शॉर्टनिंग तो दोनों की पहचान है, सेपरेशन ऑफ, ये सही है, फोर्थ आंसर सही है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एसेशन एजेंट, देखते हैं। डिप्लोटीन करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ कियाजमेटा, सही है। डिप्लोटीन करेक्ट बाय डिजोल्यूशन ऑफ, तो देखिए दोनों बातें सही लिखी है लेकिन कोई लिंक आपस में नहीं दिख रहा है। एक सेप स्ट्रक्चर क्यों दिखते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास करते हैं, तो एसर्सन रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं है, पहला आंसर। कियाजमेटा एक सेप स्ट्रक्चर होता है, बिकम विजिबल ड्यूरिंग, एक सेप स्ट्रक्चर कब दिखता है, डिप्लोटीन में दिखता है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिप्लोटीन, देखें डिजोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सही है, टेंडेंसी ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट सही है, लेकिन कंप्लीटली नहीं सेपरेट हो जाएंगे, गलत है। फॉर्मेशन ऑफ एक सेप स्ट्रक्चर सही है, लास्ट फॉर मंथ टू ईयर, ये भी सही है, तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, ए सी डी पहला सही है। इंटरकाइनेसिस इज द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक, नहीं मियोटिक, यही एसर्शन ही गलत है। इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव्ड होता, रीजन सही है, एसर्शन गलत है, रीजन सही है, फोर्थ आंसर हो जाएगा।
क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में कब फैलते हैं? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर होते हैं और ये मेटाफेज में है, तो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। बाय एंड ऑफ विच स्टेज न्यूक्लियोलस डिसअपियर, तो न्यूक्लियोलस कब खत्म हो जाएगा? तो प्रोफेज वन में खत्म होगा। प्रोफेज वन में कौन सी? सबसे आखिरी डायकाइनेसिस। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर माइटोसिस के नाते होती सही है, सेल ग्रोथ डिस्टर्ब करती है रेशियो ये भी सही है, सेल डिवाइड टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ये भी सही है, सेल रिपेयर इज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस ये भी सही है। चारों सही है तो आंसर वन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस फर्स्ट को अलग करना है मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट के मियोसिस सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड में अंतर देख लीजिए क्या होता है। तो देखिए क्या अंतर होता है। मियोसिस फर्स्ट की खास बात ये होती है कि क्रोमोसोम पेयर होते हैं, ऐसे जुड़ते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। लेकिन अगर मेटाफेज सेकेंड की बात करेंगे तो एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से जुड़ता है। अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग पोल से जुड़े ये मेटाफेज फर्स्ट, और एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से जुड़े मेटाफेज सेकेंड। अब देखते हैं, क्रोमोसोम मूव टूवर्ड इक्वेटर ऑफ स्पिंडल अपरेटस से, तो दोनों में होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर दोनों में होता है। एवरी क्रोमोसोम अटैच टू बोथ पोल, प्रत्येक क्रोमोसोम दोनों पोल से, ये तो मेटाफेज सेकेंड में होता है। डबल मेटाफेजिक फाइबर ये इसमें होता है। इन हैविंग जब लिखा होगा तो आपको पहले के बारे में बताना होगा, इसका मतलब ये सही है। फिर से समझ ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेटाफेज वन और मेटाफेज टू में ये अंतर है कि मेटाफेज वन में दोनों पोल से जो स्पिंडल फाइबर आए हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं। होमोलागस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम इस पोल से, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल से होता है। लेकिन मेटाफेज सेकेंड में एक ही पोल, एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच होता है। होमोलागस क्रोमोसोम सेपरेट, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी रहें, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये एनाफेज वन है। Which of the following pair is incorrectly matched? Incorrectly matched पूछा है, तो कौन incorrect है देखते हैं। Second growth phase में protein synthesis होती है, ये तो सही है, G2 phase है। Synthesis में DNA replication सही है। First growth phase metabolically inactive नहीं, active होता है। यही answer सही हो जाएगा। Third answer सही है। साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल, साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन प्रेजेंस ऑफ, तो आंसर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फरोएट सेल मेम्ब्रेन। व्हिच इज करेक्ट अबाउट क्रॉसिंग ओवर, इट अकर एट टेट्राज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड सही है, इट अकर बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ये गलत है, नॉन सिस्टर होना चाहिए, इट रिकॉम्बिनेज ये भी सही है, लीड टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये भी सही है। तो सब सही है, बस क्या गलत है? सेकंड गलत है और करेक्ट पूछा है, तो ऑल एक्सेप्ट सेकंड होना चाहिए। फर्स्ट में कुछ गलत है, देखिए इट अकर इन टेट्राड स्टेज विच अकर इन द पैकेट इन अ प्रोफेज वन। अच्छा, ये मियोसिस सेकंड लिखा है, ये गलत है। इसका मतलब है कि पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, मतलब फिर हो जाएगा सभी सही हैं एक्सेप्ट वन एंड टू, ऑल एक्सेप्ट वन एंड टू। हाँ, ये पैटर्न अच्छा है, अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं इस पे। इंसर्शन दिया है डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। रीजन दिया है काइनेटोकोर साइट ऑफ अटैचमेंट है। देखिए ये इसका वर्क है, ये इसका रीजन नहीं दिया है, इस अंतर एक्सप्लेन नहीं करेगा तो थर्ड होगा।
स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम इन सच ए वे दैट, क्या दैट स्पिंडल फाइबर ऑफ डिफरेंट फोल अटैच टू द सिस्टर क्रोमेटिड। तो जब सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच होने की बात करेंगे तो देखो ये कौन सा है, तो ये तो है मेटाफेज सेकंड, तो मेटाफेज सेकंड ये मिल जाएगा, सेकंड आंसर है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी लॉस स्टेटमेंट देखा है, न्यूक्लियर एनवलप डेवलप और गाल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म हो जाएंगे, इसका मतलब है ये टीलोफेज है, तो आंसर क्या होगा, टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। प्रत्येक क्रोमोसोम स्प्लिट करता है, डॉटर क्रोमोसोम माइग्रेट करते हैं पोल की तरफ एनाफेज के, ईच डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड इक्वेटोरियल प्लेट, डॉटर क्रोमोसोम प्लेट की तरफ नहीं जाएंगे पोल की तरफ जाएंगे, सेंट्रोमियर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्वेटर, नहीं पोल की तरफ होगा, आर्म ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड द सेंट्रोमियर, ये सही है, ए बी ई ए बी ई ए बी ई। ए बी ई कोई ऑप्शन नहीं, अच्छा है सेकंड है ए बी ई। मियोसिस सेकंड डिफर फ्रॉम माइटोसिस, ये अच्छा सवाल है, लोग मतलब इन जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि मियोसिस सेकंड माइटोसिस के जैसी होती है, लेकिन फिर भी मियोसिस सेकंड का माइटोसिस से कुछ ना कुछ डिफरेंस है, क्या है वो देखते हैं। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम ना तो मियोसिस सेकंड में होता है और ना तो माइटोसिस में होता है, ये तो दोनों के लिए गलत है। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन दोनों में होता है, तो ये तो दोनों के लिए सही है, अंतर पूछ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉयड डॉटर सेल, ये हेप्लॉयड बनाएगा, ये हेप्लॉयड भी बना सकता है डिप्लॉयड भी बना सकता है, और जनरेशन जनरेशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का जनरेशन किसी में नहीं क्योंकि दोनों में एन का ही सेल बनती है, तो सबसे बढ़िया आंसर थर्ड होगा। मियोसिस सेकेंड अलग है माइटोसिस से किस मामले में, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉयड डॉटर सेल। फाइंड ऑप्शन इन विच करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, पहला प्रोफेज में क्रोमोसोम डी कंडेंस नहीं कंडेंस होने चाहिए, टीलोफेज क्रोमेटिड सेपरेट ये गलत है, मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल पोल नहीं इक्वेटर होना चाहिए, ये भी गलत है, एनाफेज क्रोमोसोम स्टार्ट मूव, ये सही है 87 में फोर्थ। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन और सेंट्रियोल का मूवमेंट अपोजिट पोल की तरफ कब होता है, तो डुप्लीकेशन होता है इंटरफेज पे और अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं प्रोफेज में, तो इंटरफेज एंड प्रोफेज कोई दिया नहीं, यहाँ जो दिया है तो उल्टा दिया है, यहाँ प्रोफेज पहले दिया इंटरफेज बाद में दिया है, अगर ये इंटरफेज इधर लिखा होता प्रोफेज इधर लिखा होता तो सही हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं इंटरफेज एम फेज तो दिया है, तो आंसर फोर्थ सही है। सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ी रहती हैं, अलग नहीं होती हैं, कब एनाफेज वन में, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज, देखो भाई क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो जाते हैं सही है, क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं सही है, सेंट्रोसोम बिगिन टू मूव टुवर्ड इक्वेटर नहीं ये गलत है, पोल होना चाहिए, ई सेंट्रोसोम रेडिएट आउट, सेंट्रोसोम नहीं रेडिएट आउट माइक्रोट्यूबुल कॉल माइक्रोटिड एपरेटस, ये तो एस्टर होता है ये गलत है, तो फिर कौन सा सही मिला, ए और बी, ए और बी सेकेंड। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, आई फेज द फेज बिटवीन टू एम फेज सही है, 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ह्यूमन हेल्थ डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर वन आवर, ये भी सही है, एम फेज में 95% गलत है, ए और फर्स्ट एंड सेकेंड
पहला आंसर। क्रोमोसोम मूव इन टू पोजिशन एट द सेंटर ऑफ सेल, मेटाफेज के बारे में, सही है। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर, सही है। वन क्रोमेटिड ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम कनेक्टेड टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड टू द स्पिंडल फाइबर ऑफ अपोजिट पोल, ये भी सही है। बोथ क्रोमेटिड ऑफ ईच मेटाफेजिक, ये भी सही है। बोथ क्रोमेटिड ऑफ ईच मेटाफेजिक क्रोमोसोम कनेक्टेड टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द सेम पोल, किसके बारे में कह रहा है, मेटाफेज के बारे में दिया है। वन क्रोमेट, ये तो सही है। बोथ क्रोमेटिड एक ही पोल से नहीं होंगे, दोनों क्रोमेटिड अलग पोल से अटैच हो जाएंगे। ये गलत है। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, ये सही है। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा होगा, नहीं, ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई ये दिया है। नाइन्टी थ्री, क्रोमोसोम मूव अवे, क्रोमोसोम अगर मूव कर गए हैं तो ये एनाफेज वन है। एस फेज जी टू से अलग होता है, किस मामले में, देखें, एब्सेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं, इसमें तो प्रेजेंट होता है। एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ये तो दोनों में होती है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सिंथिस, ये जी टू में होती है। सेंट्रियल डुप्लीकेशन, ये सही है। देखिए, एस फेज डिफर फ्रॉम जी टू फेज बाई, तो जो ये बाई लिखा है इसके बाद हम वो बात बताएं जो एस फेज की पहचान होती हो, तो एस फेज की ये पहचान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है जी नाट के बारे में, क्या पहला स्टेटमेंट सही है, सेल डिवीजन कंटिन्यू, ये गलत है। सेल डू नाट ग्रो, सही है। डू नाट रिप्लिकेट, सही है। प्रोलिफरेट, सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है तो ऑल एक्सेप्ट वन थर्ड एंड फोर्थ, ये होगा थर्ड आंसर। मैच कर लेते हैं। क्रोमोसोमा मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, ये चला गया फोर्थ, ए फोर्थ एक ही में दिया है। स्टेज थ्रू विच सेल पासेज फ्रॉम वन डिवीजन टू, ये सेल साइकिल की जिम्मेदारी है। सेल ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, तो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म कब बढ़िया बेहतर होगी, तो जी वन और जी टू में। मेटाफेज मार्क्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर प्लेट, सही है। एनाफेज सेंट्रियोसोम सेंट्रोमर डिवाइड एंड क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट, भी सही है। दोनों सही है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेट अकर ड्यूरिंग दिस फेज, ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन जीवन फेज में होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बाकी ऑफिस में आकर के डिस्कस कर लेते हैं। ठीक बच्चों, बाय बाय।